हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशबू सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। आज मैं इतनी तैयार हुई हूँ, इतनी सारी चूड़ियाँ मैंने पहनी हैं क्योंकि आज है सावन का चौथा सोमवार। मैंने किया है व्रत। इसके साथ ही आज है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि के दिन हमारे घर में, हमारे गाँव में हमारी कुल देवी की पूजा होती है और उस पूजा में स्पेशल जो डिश होता है वो बनता है हमारे यहाँ पुआ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि बिहारी लोग पुआ कैसे बनाते हैं। आप इंजॉय करिए हमारा आज का डिनर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की पुआ बनाने में क्या क्या चाहिए। तो मैंने लिया है एक कटोरी जितना मैदा, थोड़ा सा दूध, छोटी कटोरी, हाफ छोटी कटोरी मैंने लिया है चीनी। ये मोटी वाली चीनी है इसलिए मैंने कम लिया है। अगर आपके पास बारीक चीनी हो तो आप इससे थोड़ा सा ज्यादा ले। कुछ ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें पानी भी ऐड होने वाला है। ले लेंगे हम लोग एक बाउल और इसमें डाल लेंगे मैदा, चीनी, दूध और इन सबको अच्छे से आपस में मिलाएंगे। सर्कुलर मोशन में ही चलाएंगे हम लोग। ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें मिला देंगे और फिर सारी चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे। ये बैटर अभी बहुत ही गाढ़ा है तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। मैंने पानी को इस दूध वाली कटोरी में ही डाल दिया ताकि इसमें जो दूध है वो वेस्ट ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक बार में अगर ज्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो बैटर है वो बहुत ही पतला हो जाएगा और गरम तेल में इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। और अब हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो चीनी है वो भी अच्छे से गल जाए और ये जो मैदा है वो भी थोड़ा सा फूल जाए इसके साथ, और फिर हम इसको छानेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे सब्जी। इसके लिए पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब इस तेल में हम लोग डालेंगे जीरा और इसके बाद जब जीरा थोड़ा हमारा चटक जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च और फिर इन दोनों को अच्छे से हम लाल होने देंगे। फिर हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज और इसको अच्छे से सबको एक साथ हम चला के भूनेंगे। पेस्ट बना लिया है एक प्याज, अदरक, लहसुन और जीरे का, साबुत जीरे का, इन सबको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार अपने, हल्दी और इन सारी चीज़ों को एक साथ ढक के पकाएंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू, मैंने इनको स्मैश करके डाला है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इन सबको हम एक साथ मिक्स करेंगे, इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और फिर इसको हम लोग फुल आंच पे इसको हम लोग क्या करेंगे कि पकाएंगे, ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा खोल जाएगा तो हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी। अभी हम लोग बनाएंगे पुआ। पुआ बनाने के लिए एक कढ़ाई में रिफाइंड डाल के गरम कर लेंगे। ये रहा हमारा बैटर जो पूरी तरह से रेडी हो चुका है बनने के लिए। पुआ बनाते टाइम हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम होना चाहिए, क्योंकि तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये बैटर तेल में जाके पूरा फैल जाएगा। तो हमें इसको बहुत ही नॉर्मल ही गर्म रखना है तेल को। तेल हो चुका है हमारा मीडियम गर्म। अब हम इसमें डालेंगे अपना पुआ का बैटर। फिर हमें इस तरह से कुछ करते हुए इसे पकाना है और इसे चलाते रहना है। जो तेल है वो तेल को हमें इसके ऊपर ऐसे ऐसे डालते हुए हिलाना है चारों तरफ से। जब ये एक साइड से पूरी अच्छी तरह से पक जाएगी तभी हम इसे पलटेंगे दूसरी तरफ सेकने के लिए। फिर
हम लोगों को धीरे धीरे इसे प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसके अंदर कोई भी मैदे का जो पार्ट्स है वो ऐसे एक जगह पे, वो पूरा का पूरा एक जगह पे जमा ना हो जाए। तो इसलिए हम लोगों को इसे ऐसे ऐसे घुमाना है और थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोगों को प्रेस भी करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको इस तरीके से घुमाने से ये जो हमारा पुआ है वो दूसरी साइड से पूरा गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है और ये फूल भी चुका है। यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है हमारा पुआ और ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। मैंने सारे पुए एक साइज के बनाए हैं, बिल्कुल एक जैसे गोल्डन ब्राउन। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरे और थोड़ा सा मीठापन होता है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी इसे अपने घर में जरूर बनाइए। बन के रेडी हो चुका है हमारा सप्तमी स्पेशल डिनर। यहाँ पे है मेरा बनाया हुआ पुआ, पूड़ी, ये सब्जी और आम, क्योंकि चल रहा है अभी आम का सीजन, तो डिनर इसके बिना बिल्कुल अधूरा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। आ चुकी हूँ मैं बना करके अपना पुआ, और ये जो पुआ है हम इसे डिश के साथ साथ, हमारे यहाँ इसे एक प्रसाद के रूप में भी माना जाता है। हमारे जब भी किसी देवी देवताओं को हमें प्रसाद चढ़ाना होता है तो हम लोग पुआ पूड़ी से उनकी पूजा चढ़ाते हैं। तो मैंने बनाए हैं पुआ पूड़ी और आलू की रस वाली सब्जी, जिसको मैंने अपने इस पूरे वीडियो में आप लोगों के साथ दिखाया है। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये डिश अच्छा लगे और आप इसे जरूर बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अगर आपको मेरा ये डिश अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय।